नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ आज पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को लेकर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं अपने विषय पर। तो आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक पुण्य को देने वाला माना गया है। जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी व्रत या साल की कोई भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पूजा के अलावा कथा सुनने का भी विधान है और कथा को सुने बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, केवल पूजा करते हैं, उन्हें भी कथा सुनने से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत रखा जाता है उसे पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं और पुत्रदा एकादशी व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी कहते हैं। ये दो व्रत पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा की जाती है और पौष शुक्ल एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, परंतु सावन शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी ही कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत की क्या कथा बताई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह शैव्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थे। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी सुकेतुमान की कोई भी संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका कोई पुत्र नहीं है तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सबसे राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया, राजकाज से भी उनका मन उचट गया था। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचकर वह दुखी मन से वहां पर बैठ गए। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गए। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उनसे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गए। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत के सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन किया। इसके फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनके संतान है उनके संतान की आयु लंबी होती है और उनके संतान के सभी कष्टों की रक्षा होती है तथा संतान को सारे सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करें, उन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और कथा का श्रवण अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। नमः शिवाय।